नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत में भी पहुंच गया है। देश में इससे पहले दो मरीज कर्नाटक में मिले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। इसमें एक 66 साल का विदेशी नागरिक है जो पिछले दोनों साउथ अफ्रीका गया हुआ था, जबकि दूसरा बेंगलुरु के बोमनहल्ली का 46 साल का हेल्थ वर्कर है। उधर गुजरात के जामनगर में भी एक 72 साल के बुजुर्ग को ओमिक्रॉन संदिग्ध की कैटेगरी में रखा गया है। इस वेरिएंट ने अपनी शुरुआत जरूर साउथ अफ्रीका से की है, लेकिन अब ये कई देशों तक अपनी पैठ जमा चुका है। इस एक वेरिएंट ने फिर कई देशों में लॉकडाउन जैसी स्थिति पैदा कर दी है और अब भारत में भी इसकी दस्तक हो चुकी है। ओमिक्रॉन की भारत में भी एंट्री हो चुकी है। आपको बता दें कि इसमें एक 66 साल का विदेशी नागरिक है जो पिछले दिनों साउथ अफ्रीका गया था, जबकि दूसरा बेंगलुरु के बोमनहल्ली का 46 साल का हेल्थ वर्कर बताया जा रहा है। गुजरात के जामनगर में भी 72 साल के बुजुर्ग को ओमिक्रॉन संदिग्ध की कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि दो मरीजों की पुष्टि हो गई है, एक संदिग्ध की श्रेणी में रखा गया है। इस वेरियंट ने अपनी शुरुआत साउथ अफ्रीका से की है। साउथ अफ्रीका में इसका पहली बार पता चला था, 11 नवंबर को इसे ट्रेस किया गया था, लेकिन अब यह कई देशों तक पहुंच चुका है और लॉकडाउन जैसी स्थिति पैदा कर दी गई है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि यह बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है। डेल्टा से भी ज्यादा तेजी से यह वेरिएंट फैल रहा है, जिसकी वजह से WHO ने इसे ज्यादा खतरनाक बताया है। और इसी खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए डॉक्टर राजेश प्रजापति चिकित्सक जुड़ चुके हैं, जो हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे कई सवालों का जवाब भी देंगे। तो जिस तरह से लॉकडाउन की परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, ओमिक्रॉन वेरिएंट अब भारत में भी देखने को मिल रहा है, और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर राजेश प्रजापति जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से कोरोना का वेरिएंट, ओमिक्रॉन का वेरिएंट भारत में अब पाया गया है, क्या कहेंगे इस पे, कितनी सावधानी बरतने की जरूरत है? जिस प्रकार से हम दो दिन पहले भी चर्चा कर रहे थे जी, ओमिक्रॉन वेरिएंट जो ओरिजिनली साउथ अफ्रीका से ओरिजिनेट हुआ था, वो उस समय भी यूरोप के कई देशों में पाया जा चुका था, और ये हम लोग सोच भी रहे थे कि हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में भारत में भी इसके केसेस सामने आए। और जिस प्रकार से आज खबर आ रही है कि कर्नाटका में, केरल में और गुजरात में कुछ सस्पेक्टेड केसेस सामने आए हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट के, तो ये बहुत गंभीर बात है, क्योंकि डेल्टा वायरस को, जो डेल्टा वेरिएंट था कोरोना वायरस का, उसको विश्व के कई देशों में पहुंचने में लगभग 100 दिन का समय लगा था जी। और ओमिक्रॉन वेरिएंट जो काम डेल्टा वेरिएंट को 100 दिन में कर पाया था, वही काम ओमिक्रॉन वेरिएंट ने 10 दिन के अंदर कर दिया है। मतलब 10 दिन के अंदर दुनिया के लगभग सारे देशों में, 32 से अधिक देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस मिल चुके हैं। तो जो आशंका व्यक्त की जा रही थी कि एक ये नई लहर की शुरुआत हो सकती है, वो सही साबित होती दिख रही है जी। राजेश जी, क्या इसमें साउथ अफ्रीका की भी लापरवाही कहेंगे, क्योंकि जब ये नए वेरिएंट का खुलासा हुआ उसके बाद भी उन्होंने अपनी फ्लाइट्स पे बैन नहीं लगाया, यात्रियों को अलग देशों में जाने दिया, क्या कहेंगे इस पे? शिखा जी, मैं इसको साउथ अफ्रीका की गलती नहीं कहूंगा, बल्कि मैं तो और पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को मिलके, जो साउथ अफ्रीका के साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने संदेह व्यक्त किया और इस नए स्ट्रेन की खोज की, हमें उनका धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने समय रहते ही पूरे विश्व को इसके बारे में सचेत कर दिया। लेकिन यहाँ पे सरकार की गलती है राजेश जी, क्योंकि जिस तरह से इसका पता चला था और ये सबको पता था कि ये एक वैश्विक महामारी है और इसको फैलने में वक्त नहीं लगेगा, अगर इसे साउथ अफ्रीका में रोका जाता तो बाकी देशों में फैलने से हम इसे बचा सकते थे। शिखा जी, मेरा और जो बाकी साइंटिफिक कम्युनिटी है, जो साइंस डेवलपमेंट को मानते हैं, उनका मानना यही है कि आप सिर्फ रिस्ट्रिक्शन से इस वायरस के म्यूटेशन को रोक नहीं सकते हैं। हो सकता है इस प्रकार का म्यूटेशन पहले से ही और देशों में मौजूद रहा हो, लेकिन ये क्योंकि किसी ने ध्यान नहीं दिया, सही तरीके से जीनोमिक सीक्वेंसिंग नहीं हुई, इसलिए हम इसको पहले डिटेक्ट नहीं कर पाए। यही एक वजह है कि कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है,
या किसी फॉरेन ट्रेवलर्स के कांटेक्ट में नहीं आए, तो ऐसे म्यूटेंट अक्सर होते रहते हैं, ऐसे म्यूटेशन। और अगर जब आप जीनोमिक सीक्वेंसिंग नहीं कर रहे हो, टेस्टिंग ट्रेसिंग और आइसोलेशन पे फोकस नहीं कर रहे हो, तो इस प्रकार के म्यूटेशंस की संख्या बढ़ सकती है। बिल्कुल, तो इसके लक्षण क्या है जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, क्या ये बिल्कुल डेल्टा की तरह ही है या इसमें कुछ अंतर है, इसके लक्षण किस तरह से है? शिखा जी, शुरुआती जानकारी आ रही है और जो साउथ अफ्रीका के स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ लोग हैं जिन्होंने इस वायरस को पहली बार आइडेंटिफाई किया, उन लोगों का भी यही कहना है कि जो सिम्टम्स हैं इसमें वो माइल्ड है। माइल्ड का मतलब बहुत तीव्र सिम्टम्स नहीं है, बहुत जिसे हम बोलते हैं बहुत हाई ग्रेड फीवर नहीं होता है, बहुत ज्यादा सोर थ्रोट नहीं हो रहा है। हाँ, क्योंकि इस ये जो म्यूटेशन है इसके अंदर जो स्पाइक प्रोटीन कंपोनेंट है उसमें लगभग 50 से अधिक म्यूटेशन है। इस वजह से आशंका ये व्यक्त की जा रही है कि जिन लोगों को वैक्सीन लग नहीं चुकी है उनमें भी ये इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। जी। तो ये एक चिंता का विषय है क्योंकि पूरी दुनिया में खासकर भारत में तो काफी हद तक वैक्सीनेशन हो चुका है। हम लोगों ने जिन जिन लोगों ने वैक्सीन लगा ली है उन्होंने किसी भी प्रकार के जो कोरोना गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना बंद कर दिया है, चिंता का विषय है। जी राजेश जी, जिस तरह से इसमें फैलने की क्षमता बहुत ज्यादा है लेकिन मौत का डर कितना है इस ओमिक्रॉन वेरिएंट में? शिखा जी, ये सिर्फ समय लगता है इन सब चीजों को बताने में क्योंकि अभी वेरिएंट नया है और ज्यादातर इसके जो केसेस हो रहे हैं वो यंग पेशेंट्स में हो रहे हैं, एल्डरली पेशेंट्स में नहीं हो रहे हैं। तो केस फैटेलिटी रेशियो इसका डेल्टा वेरिएंट के जैसा है या उससे ज्यादा है, ये कह पाना भी बहुत मुश्किल है। और वैसे भी जो कोरोना वायरस का जो केस फैटेलिटी रेट है वो लगभग 1% था और वो भी हाई रिस्क ग्रुप में था। हाई रिस्क ग्रुप में ऐसे लोग जिनकी उम्र 60 से ज्यादा है, जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, हेपेटिक और रीनल फेलियर है, या किसी प्रकार के कैंसर का ट्रीटमेंट चल चुका है, या ऑब्वियसली उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, तो ऐसे लोगों में रिस्क ज्यादा रहता है। तो अभी केस फैटलिटी रेशियो या मोर्टेलिटी रेशियो या मृत्यु दर कितनी होगी ओमिक्रॉन में, ये अभी पूरी तरह से ज्ञात नहीं है। जैसे जैसे समय बीतेगा इस बारे में और जानकारी मिलेगी। जी राजेश जी, जब तीसरी लहर की बात हो रही थी कि दूसरी लहर आई है, तीसरी लहर भी आएगी और इसमें बच्चे ज्यादा इफेक्टेड होंगे, तो दो तरह की बातें निकलकर आ रही थी कि बच्चे इसमें ज्यादा प्रभावित हो भी सकते हैं और नहीं भी, तो ओमिक्रॉन को देखने के बाद क्या लग रहा है? शिखा जी, पहले भी जब हमारा डिस्कशन हुआ था दूसरी लहर के जब खत्म हो गई तब भी, तो मैंने यही कहा था कि बच्चों में कोरोना वायरस से मोर्टेलिटी काफी कम होती है, लेस देन 0.1%, मतलब 1 in 1 lakh। जी बिल्कुल, क्योंकि बच्चों में जो थाइमस ग्लैंड होती है और जो लिम्फोइड टिश्यू होते हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं टी सेल्स बनाने में और वायरस को अफेंड करने में। तो बच्चों में वैसे भी वायरल इन्फेक्शन से इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, तो मोर्टेलिटी बहुत कम रहती है। और ये सिर्फ एक भ्रम था जो लोग कह रहे थे कि तीसरी लहर आएगी तो बच्चों में ज्यादा गंभीर खतरा रहेगा। तो क्या अभी भी उन लोगों को इस बीमारी से या फिर कहे नए वेरिएंट से सबसे ज्यादा खतरा है जो लोग किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित हैं? जी बिल्कुल, जिन लोगों के अंदर पहले से इम्यून कॉम्प्रोमाइज स्टेटस है यानी जिनकी इम्यून से बनी क्षमता है उन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं 2 गज दूरी और मास्क के जरूर उसका प्रयोग करें और साथ में वैक्सीनेशन जरूर लगवा दें। जी राजेश जी, जिस तरह से वैक्सीनेशन हो रहा है, अभी आपने भी बताया कि वैक्सीनेशन होने के बाद भी इस वेरिएंट से खतरा है यानी कि आप संक्रमित हो सकते हैं, तो क्या अब एक और डोज की जरूरत है भारत में ओमिक्रॉन से बचने के लिए? शिखा जी, भारत सरकार को चाहिए था कि काफी पहले से ही जो इंटरनेशनल ट्रेवलर्स आ रहे थे उनको क्वारंटाइन करते और जो भी पॉजिटिव आते हैं उनकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग कराई जाती। लेकिन जब ये ऑलरेडी साउथ अफ्रीका में स्ट्रेन आ चुका था और कई देशों ने पाबंदी लगा दी थी जी। उसके बाद हमारी सरकार ने इस बारे में कदम उठाए। हालांकि अभी तक भारत के कुछ ही राज्यों में वेरिएंट मिला है, लेकिन जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करने की क्षमता ये डेल्टा वायरस से कई गुना ज्यादा है, तो ये इन्फेक्शन और तेजी से अभी भारत में फैल सकता है। और मुझे लगता है कि सरकार को अब एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल जो होता है, जो हमने
सेकेंड वेव के टाइम पे अडेप्ट किया था, वो अडेप्ट करना चाहिए। अननेसेसरी मास गैदरिंग्स पे रोक लगानी चाहिए, जैसा कि आप हमें हमेशा देख रहे हैं इस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल है, देश के कई राज्यों में भी चुनाव का माहौल है, तो ये सारी गतिविधियाँ इस वायरस को और बढ़ने का और पनपने का मौका देंगी, जो कि बहुत घातक हो सकता है। जी बिल्कुल, बात और सवाल तो यही है कि आने वाले समय में चुनाव है, तो क्या दूसरी लहर की तरह इस बार भी लापरवाही देखने को मिल सकती है या फिर हम सबक लेंगे, क्योंकि दूसरी लहर के दौरान भी बिहार और पश्चिम बंगाल में चुनाव थे, तो चुनाव के बाद ही लॉकडाउन लगा था, उससे पहले नहीं लगा था, तो क्या इस बार सतर्क रहने की जरूरत है, क्या इस बार इलेक्शन कमीशन को पोस्टपोन कर देने चाहिए चुनाव और लॉकडाउन लगा देना चाहिए, आप क्या कहेंगे? जी शिखा जी, जिस प्रकार से मैंने पहले भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है और चुनाव तो हर 5 साल पे आते जाते रहते हैं, मुझे लगता है कि इन्हें 6 महीने का एक्सटेंशन देना चाहिए, चुनाव आयोग को स्वयं इसके बारे में संज्ञान लेना चाहिए और 6 महीने के लिए जो उत्तर प्रदेश की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट को और काम करने का मौका देना चाहिए, और एक बार ये सारी चीजें थोड़ा शांत हो जाए, कोरोना वायरस का प्रकोप थोड़ा कम हो जाए, तो हम फिर से चुनाव के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन समस्या क्या है शिखा जी, कि इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे हम ज्यादातर जो चुनावी मुद्दे होते हैं वो जाति धर्म से जुड़े होते हैं, हम कभी शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पे बात नहीं करते हैं, और जो हेल्थ सेक्टर पे इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो अगर आप कंपेयर करें विश्व के अन्य देशों से तो बाकी देशों में 10 से 15% जीडीपी का खर्च होता है, लेकिन हमारे देश में 1 से 1.5% ही जीडीपी का हेल्थ सेक्टर पे खर्च किया जाता है जी। और डॉक्टर्स को हमेशा बलि का बकरा या स्केपगोट बना के रखा जाता है, क्योंकि आप 1.5% हेल्थ सेक्टर पे खर्च करके ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि जब कोरोना वायरस जैसी महामारी आएगी या त्रासदी आएगी तो डॉक्टर भगवान बन के सुपर ह्यूमन बन के सबको बचा लेगा जी। तो इन सारी चीजों पर ध्यान दिया जाना चाहिए और ये सिर्फ जनता की जागरूकता से और हमारे आपके सही प्रयासों से ही सफल हो पाएगा। राजेश जी, जिस तरह से 2 अभी ओमिक्रॉन के वेरिएंट मिल चुके हैं भारत में, लेकिन क्या हम मान सकते हैं कि इससे ज्यादा होंगे, क्या कांटेक्ट ट्रेसिंग की जरूरत है देश में, क्योंकि 11 तारीख से अफ्रीका में डिटेक्ट हुआ था, क्योंकि हम मान सकते हैं कि 11 तारीख को अगर ये वायरस मिला है तो उससे पहले से ही साउथ अफ्रीका में फैल चुका होगा और भारत से तब से फ्लाइट भारत में आ रही है साउथ अफ्रीका में, तो यहाँ पे भी कई केसेस हो सकते हैं, तो क्या कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग जरूरी है? जी बिल्कुल, खासकर ऐसे लोग जो विदेश से आ रहे हैं, मतलब जो या तो डायरेक्टली साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं या फिर साउथ अफ्रीकन ओरिजिन के किसी अन्य देश से आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जानी चाहिए और उनको मैंडेटरी आइसोलेशन में रखा जाना चाहिए। जी, जिस तरह से केस कम होते नजर आए भारत में और लोग वैक्सीनेट होते गए, वैसे वैसे लोग लापरवाह होते गए वैक्सीन लगने के बाद, या फिर जिन लोगों को नहीं भी लगी है उन लोगों ने मास्क का प्रयोग छोड़ दिया है, सोशल डिस्टेंसिंग में कमी आ गई है, क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? पहले तो हमें समझना होगा कि इम्यूनिटी चाहे आपको वैक्सीन के द्वारा मिले या वायरस से इन्फेक्ट होकर मिले, किसी भी दशा में इस वायरस से मिलने वाली इम्यूनिटी 6 से 9 महीने से ज्यादा समय तक नहीं टिकती है। जी, भारत एक बहुत बड़ा देश है, आप ऐसे समझिए कि अगर 100 डिब्बे की रेलगाड़ी है और आपके पास 2 पंप हैं और हर डिब्बे में 100 लोग बैठे हुए हैं, तो जब आप एक एंड से डिब्बे में पानी भरना शुरू करोगे तो जो लोग उसमें हैं वो पानी को कंज्यूम करना शुरू करेंगे, सो बाय द टाइम यू रीच फ्रॉम 1 एंड टू अनदर एंड, जो शुरुआत के डिब्बे हैं वो फिर से खाली हो जाएंगे। कहने का मतलब, इतने बड़े देश में जब आप वैक्सीनेशन करते हुए एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचोगे, तब तक जो शुरुआत के लोग हैं उनका 6 से 9 महीने का टाइम बीत चुका होगा, यानी कि उनके अंदर की जो इम्यूनिटी होगी वो खत्म हो चुकी होगी। कोरोना वायरस इन्फ्लुएंजा वायरस फैमिली का ही एक मेंबर है, और जैसा कि हम पहले भी देखते आए कि हर साल इन्फ्लुएंजा वायरस का नया वेरिएंट आता है और हमें उसके लिए नई वैक्सीन लेने की आवश्यकता पड़ती है जी। फर्क सिर्फ इतना था कि कोरोना वायरस की इन्फेक्टिविटी, मतलब लोगों को संक्रमित करने की क्षमता, इन्फ्लुएंजा वायरस से कई गुना ज्यादा थी, इसी वजह से बहुत सारे केसेस एक साथ आए जी। अब अगर हमारा सिस्टम ऐसा नहीं, हमारा हेल्थ सिस्टम ऐसा नहीं है कि हम अधिक से अधिक लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकें या सिर्फ जो बेसिक सपोर्टिव केयर है वो प्रोवाइड कर सकें, तो जाहिर सी बात है मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा होगी, यानी मृत्यु दर बहुत ज्यादा होगी, जो कि सेकेंड वेव में हुआ जी। तो हेल्थ प्रिपेयर्डनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है किसी भी पैंडेमिक से डील करने का। अगर आप सोचें सिर्फ वैक्सीनेशन के बेसिस पे आप इसे जीत सकते हैं, तो वैक्सीनेशन के बारे में जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ट्रेन के डब्बे वाला, बिल्कुल उसको याद करके रखिए, जब आप एक एंड से दूसरे एंड तक जब तक पहुंचेंगे तब तक जो प्रीवियसली वैक्सीनेटेड लोग हैं उनकी इम्यूनिटी कम हो चुकी होगी।
जी बिल्कुल। दूसरा एक तरीका हो सकता था इसका शिखा जी, कि नेजल वैक्सीन, जिस प्रकार से हम हाथ में इंजेक्शन देके वैक्सीन लगा रहे हैं, अगर हमारे पास नेजल वैक्सीन होती, हालांकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई भी प्रभावी नेजल वैक्सीन या ऐसी वैक्सीन जो स्प्रे के द्वारा नाक से दी जा सके, ये आई नहीं है। अगर ये आ जाती है तो भी ये गेम चेंजर साबित होगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ डॉक्टर राजेश प्रजापति जुड़े थे, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से हम कोरोना के नए वेरिएंट से सुरक्षित रह सकते हैं, यानी कि हमें जागरूक रहने की जरूरत है, मास्क लगाने की, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की, यानी कि जो व्यवहार हम अभी तक करते आ रहे हैं कोरोना से बचाव के लिए, उसी का ही पालन करना है। सभी नियमों का पालन करते हुए हमें कोरोना से बचाव कर सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।